सो ये देखिए, ये है भैया का रूम यहाँ पे। और इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारा रूम है। और इसमें देखो स्पेशल सी बात है कि विंडो साइड में है, जहाँ पे आपको खुली हवा जो है वो मिल पाएगी। अच्छा भैया, रूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हो? रूम में गैस बर्तन सब मिल जाएगा। गैस बर्तन, अच्छा ये एक सेट बर्तन होता है, इसके लिए कोई पेमेंट लेते हो? नो, ये फ्री होता है। अच्छा, और गैस मिल जाता है, गैस के लिए तो आप पेमेंट लेते हो? अच्छा, कितना लगता है वो? 270। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी होता है? अच्छा, वाईफाई भी दे रहे हो? फ्रेंड्स, अगर आप CMC फ्लोर आ रहे हो तो यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है रूम। कि आप यहाँ पे आने के बाद रूम कैसे लोगे, किस तरीके से आपको रूम जो है अच्छे दाम में मिल जाएगा, जो कि आपके लिए सही हो, आपके लिए प्रेफर हो। सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो यहाँ पर आकर, वेलोर में आके रूम बहुत ही आसानी से मिल जाने का। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंसान से मिलाता हूँ जो कि यहाँ पे इनका 3-4 लॉज है और उसका ये मैनेजर है। अब एज देख के आपको बिलीव नहीं होगा कि ये मैनेजर हो सकता है, बट हाँ है इसका यहाँ पे। पहले हम मिलवाते हैं और यही खुद से ही बताएंगे। तो भाई, आपका नाम क्या है? संजीव कुमार सिंह। संजीव कुमार सिंह, और सबसे खास बात कि हमारे बिहार से ही हैं। सो भैया, आप ये बताइए कि यहाँ पे आपका कितना लॉज है? मेरा 20 करीब लॉज होगा यहाँ पे। करीब 20 लॉज, मैं तो काफ़ी कम बता रहा था। तो कुछ इनके फैमिली मेंबर्स भी हैं, उनका भी लॉज है, तो टोटल मिला के इनका 20 लॉज है। तो भैया, आप सबसे पहले ये गाइड कीजिए ना, सारे लोग जो भी आते हैं उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे आके वो फंस जाते हैं, उनको रूम नहीं मिलता, किसी एजेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं, उसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कैसे वो यहाँ पे आके आपसे कॉन्टैक्ट कर पाएँ और आप उनको किस तरीके से जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाओगे रूम के लिए? जैसा भी चाहिए, कम रेट का है, जैसा रूम चाहिए उनको सब मिल जाएगा। तो आपके यहाँ मतलब चीपर रेट में कितने से स्टार्ट हो जाता है रूम? 250 से स्टार्ट है। 250 से स्टार्ट है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर उन वर्ग के लिए जो ज़्यादा पैसा पे नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप जैसे ही आओगे CMC के पास ना, आसपास में बहुत सारे एजेंट होते हैं, वो आपको पकड़ लेंगे और 400, 450, 600 मतलब बहुत तरह का आपको रूम से यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर आप भाई से कांटेक्ट करते हो तो आपको 250 से भी रूम दिलाना शुरू कर देंगे। वो डिपेंड करता है कि आप रूम कैसा पसंद कर रहे हो। ओके भैया, तो आप ये बताइए कि अगर आपसे ये कांटेक्ट करना चाहते हो तो कैसे कांटेक्ट करेंगे? मेरा कार्ड है, कार्ड से आप अपना नंबर एक बार रिपीट यहाँ पे बता दीजिए। 9025858674। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको कैसे मैं गाइड कर पाऊँ कि आप यहाँ पे आओ तो आपको स्पेशल तरीके से मतलब, और क्या है ना कि भैया एक प्रेजेंस भी देते हैं कि अगर आप इनको पहले ही कॉल करते हो तो आपका रूम पहले से बुक होता है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो तो। और साथ में अगर आपको स्टेशन से आने में प्रॉब्लम होता है तो काफ़ी अच्छे से ये गाइड कर पाते हैं आपको CMC हॉस्पिटल तक बुलाने के बाद, या आपको रिसीव भी कर लेते हैं और अपने लॉज तक ले आते हैं। क्या भैया, आप अपना लॉज दिखा सकते हैं? कोई ऐसा रूम अगर है अभी खाली में तो प्लीज़ दिखाइए। चलो, मैं एक आध रूम देख लेता हूँ उनका अभी। वैसे मैं इनके लॉज के छत पे हूँ, यहाँ पे भी ये खड़े थे तो सोचा कि चलो क्यों ना एक बार बात कर लिया जाए। चलो रूम में चलते हैं पहले। ये देखो, ये है यहाँ रूम का एक बैनर लगा हुआ है जिसमें इनका नंबर भी लिखा हुआ है। सो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा यूज़फुल हो जाएगा। सो ये देखिए, ये है भैया का रूम यहाँ पे। और इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारा रूम है। और इसमें देखो स्पेशल सी बात है कि विंडो साइड में है, जहाँ पे आपको खुली हवा जो है वो मिल पाएगी। अच्छा भैया, रूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हो? रूम में गैस बर्तन सब मिल जाएगा। गैस बर्तन, अच्छा ये एक सेट बर्तन होता है, इसके लिए कोई पेमेंट लेते हो? नो, ये फ्री होता है। अच्छा, और गैस मिल जाता है, गैस के लिए तो आप पेमेंट लेते होगे? अच्छा, कितना लगता है वो? 270। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी होता है? अच्छा, वाईफाई भी दे रहे हो? अच्छा, ये वाशरूम हो गया। ये मैं आपको ये जो रूम दिखा रहा हूँ, इस देखो, ये यहाँ का वाशरूम भी चकाचक है, बिल्कुल साफ सुथरा। और यही चीज़ें हो जाता है इंपॉर्टेंट कि अगर आप पेशेंट को लेके आ रहे हो तो सबसे पहले आपको साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। अच्छा भैया, इसके लिए कितना पेमेंट पे करना पड़ेगा लोगों को? 270 ओनली 270। क्या बात है भाई, देखो इतना खूबसूरत सा रूम आपको 270 रुपये में यहाँ पे भैया दे रहे हैं, जो कि आपको पूरे वेलोर में मुझे लगता है। अच्छा, और कहीं पे इतना सस्ता मिल जाएगा या सिर्फ आपके यहाँ मिल रहा है? यहीं सस्ता मिल रहा है, बाकी 350 का है बगल में, 370 का है, 400 का है। अच्छा भैया, एक चीज़ बताइए कि अगर कोई इंसान यहाँ पे आता है तो उसको किस बात का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत सारे एजेंट आ जाते हैं तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है रूम लेने में, तो क्या ख्याल रखे वो? जो भी आएंगे अच्छा से देखभाल करेंगे, सब गाइड करते हैं उनको, CNC में भी कुछ प्रोग्राम है तो वो भी दिखवा देंगे।
एक बार एग्जैक्ट एड्रेस बताइए, जैसे कि अगर आपसे वो फोन पे कांटेक्ट नहीं कर पाते तो डायरेक्ट यहाँ तक कैसे पहुँचे, या फिर आपके जो भी 20 लॉज हैं उसमें ऑटो है, ऑटो वाला को भेज देंगे, वो जाके ला देगा, रात में यकीन में ला देगा। उसके बाद यहाँ मेरा लॉज का नाम बताएंगे, ऑटो वाला ला देगा। क्या नाम है लॉज का? बाकुड़ा गेस्ट हाउस है, बाकुड़ा आसनसोल। भाई इतना तो 20 लॉज हैं तो सबका नाम बताना यहाँ पे सही नहीं है। आप अच्छा, दो आपका पर्सनल है, बाकी आपके रिलेटिव्स का है, तो कहीं भी आप सेटल कर लेते हो। ओके, सो और कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज अगर है जिससे कि आप पेशेंट तक पहुँचाना चाहते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रूम का है। देखो सबसे बड़ा फैसिलिटी क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे इस रूम को लेते हो तो आपको ये हॉस्पिटल से कितनी दूरी है? 3 से 4 मिनट लगेगा। तो मुझे लगता है 500 से 600 मीटर है। तो इससे क्या होगा ना कि अगर आप यहाँ पे सेटल होते हो, यहाँ पे रहते हो, तो आपको हॉस्पिटल जाना काफ़ी आसान हो जाएगा, और सस्ता में भी रूम मिलता है, लेकिन थोड़ा दूर होता है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर देगा। थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में आपको उतना बस या ऑटो भाड़ा लग जाएगा हॉस्पिटल तक आने के लिए, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे। अच्छा, और भी यहाँ पे कुछ दिखाना चाहते हो आप रूम में या फिर अपने पूरे हॉल में? रूम अभी यही खाली है। अच्छा, और भी रूम्स होता तो यह दिखाते हैं, बट यहाँ पे रूम्स जो है यही वाला खाली था, सो अभी ये पूरा दिखा रहे हैं आपको। अच्छा, इससे हाई क्वालिटी का भी रूम्स होगा तो वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखा दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग यहाँ पे आओ तो भैया से कॉन्टैक्ट कर लो, और हमारे बिहार से हैं तो बिहार वाले को तो पक्का है कि सपोर्ट करने वाले हैं। बिहार वाले को सबको सपोर्ट करेंगे, सबको सपोर्ट करेंगे। चलो फिर मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। बाय एंड टेक।